हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो चलिए विदा टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने घर से निकल चुकी थी और मैं हाथी बगान एरिया में हूँ और मैं जा रही हूँ गिरीश पार्क, और गिरीश पार्क से अपनी मम्मी को पिकअप करने के बाद आज मैं एक बहुत ही फैंटास्टिक लोकेशन पर जाने वाली हूँ, और ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप देखिए ये किसका घर है, मैं कहाँ पे आई हूँ, क्यों आई हूँ, ये कौन सी जगह है। और अगर आप मेरे साथ अच्छे से इस वीडियो में बने रहोगे तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और गाइस, ये देखिए ये कौन सी वाली जगह है जहाँ पर इतना सारा फर्नीचर, इतना सारा यहाँ पर लिविंग स्पेस, बेडरूम, एवरीथिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मैंने मम्मी को पिकअप कर लिया था और अभी हम लोग गाड़ी से मतलब पहुंच चुके हैं धर्मतल्ला की तरफ। तो धर्मतल्ला में आज यहाँ पे कोई पार्टी ऑफिस का कुछ वो चल रहा था, माइक में स्पीच वगैरह चल रहा था, तो हम लोगों ने वो जगह क्रॉस कर लिया। ये है अपोजिट साइड में इंडियन म्यूज़ियम, जिसको हम लोग क्रॉस कर लिए हैं। हम लोग ब्रिज के ऊपर थे और अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। और आई होप आपने मेरा वो सोलरिस वाला वीडियो देखा ही होगा जिस पे मैंने सपनों का घर वाला एक वीडियो बनाया था और आपके साथ शेयर किया था। और गाइज, जैसे जैसे उस सोलरिस सिटी का जो अपडेट जैसे जैसे मुझे मिलेगा श्रीरामपुर का, मैं वहाँ जा के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। और फिर मेरा जब भी फर्नीचर वगैरह या फिर बाकी सारी चीज़ें, इंटीरियर्स वगैरह होना शुरू होगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे इस जर्नी में। तो अभी हम लोग धीरे धीरे पहुँच चुके हैं मैदान हमने क्रॉस कर लिया है कोलकाता के रास्तों से। जो जानता है, कैलकाटा में रहता है, उसे अच्छे से पता है कि मैं किस किस लोकेशंस की बात कर रही हूँ। जो हमारा डेस्टिनेशन है ये देखिए, अभी हम लोग एकदम ठीक पहुँच चुके हैं रविंद्र सदन में, और अभी गुरुद्वारा क्रॉस किया हमने। और हम लोग एक बहुत बड़े मार्केट में जा रहे हैं, एक मॉल, आप बात मतलब समझ सकते हो कि एक मॉल पे जा रहे हैं। और वो जो मॉल है वो थोड़ा बाकी मॉल से थोड़ा हटके है, और ये है वो मॉल जिसके अंदर अभी हम लोग एंट्री मारने वाले हैं। देखते रहिए ध्यान से इस मॉल को। और ये मॉल ऐसा वैसा मॉल नहीं है जहाँ पे आपको नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें या फूड कोर्ट या ये सब इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये मॉल खास है फर्नीचर के लिए, और ये ठीक कमैक्स टू टेलगन रोड वाला जो रास्ता है वहाँ पे लोकेटेड है, मेन रोड पे। तो अभी मम्मी एंटर कर चुकी है और आप गाइस देखते चलिए, यहाँ पे हर तरीके का फर्नीचर, मतलब ये देखिए फ्लावर्स, पूरा आर्टिफिशियल इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। अभी हम लोग लिफ्ट में चढ़ गए हैं और हम लोग उतरने वाले हैं होम टाउन में। यस गाइस, इससे पहले भी आप लोगों ने मेरे चैनल पर होम टाउन की वीडियो देखी थी जो मैंने डायमंड प्लाजा मॉल पे दिखाया था, और आज मैं होम टाउन के सबसे बड़े वाले आउटलेट में जा रही हूँ जो कि है एल्गिन रोड या कैबैक स्ट्रीट, आप जो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल सकते हो। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा एल शेप सोफ़ा का ऑप्शन है और नॉर्मल सोफ़ा का ऑप्शन है, 5 सीटर सोफ़ा आप इसे देख सकते हो। और मैं इधर पे जस्ट एंटर की थी क्योंकि मैं अब जैसे कि कभी भी हमारे को जब भी पोजीशन मिलेगा, चाहे नवंबर में मिले, दिसंबर में मिले, जैसे भी मिले, तो उसकी जो प्लानिंग होती है ना वो काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है कि हमें क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, हम लोग अपना नया घर का इंटीरियर कैसे करवाएंगे, कैसे होगा। और बहुत लोगों ने मुझे कहा था होम टाउन वाले वीडियो में कि फिर से मैं कुछ ऐसा फर्नीचर वाला या फिर लिविंग डाइनिंग स्पेस, बेडरूम, ये सारी चीज़ें जो होती है, डाइनिंग टेबल वाले जो भी, मतलब फर्नीचर एंड रूम की सजावट से रिलेटेड होता है, इंटीरियर रिलेटेड होता है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा भी वीडियो फिर से लेके आऊँ। तो मैंने सोचा कि चलिए अब आपके पास सैम्पल बेडरूम लेके आती हूँ। देखिए सामने वाला मेरा एक सैम्पल बेडरूम दिख रहा है, उसके ऑपोजिट में आपको दूसरा दिख रहा है, थर्ड लेफ्ट वाले साइड पे भी आपको और एक सैम्पल दिख रहा होगा वीडियो का। ये देखिए ये एक सैम्पल बेडरूम है, और आप अपने मतलब ये पूरा सेट की अगर मैं बात करूँ, होम टाउन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख इस तरीके के रेंज में आपको पूरा सेट मिल जाता है, जिसमें बेड, ये वाला कॉस्टली है, आप इसका प्राइस देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कॉस्टली था, बट मुझे एक आइडिया मिल गया कि अगर आप वाइट मतलब बेडरूम बनाना चाहते हो या वाइट वार्डरोब रखना चाहते हो तो उसकी सजावट आपको रूम की कैसी करनी है। तो ये आई थिंक पूरा सब कुछ लेके 2-2.5 लाख का समथिंग पड़ गया था, विथ आपको वहाँ पे वो भी मिल रहा था, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब 4 साइज़ वाला, उसके बाद साइड टेबल, फिर ये बेड एंड साइड टेबल, और एक
तो ये सब कुछ लेके अब उसके ऊपर क्या डिस्काउंट था देखिए, 30-40% वहाँ पे हमेशा डिस्काउंट चलता है, बट बेस्ट डिस्काउंट टाइम होता है हमेशा वहाँ पे रिपब्लिक डे का टाइम और इंडिपेंडेंस डे का टाइम में सबसे डेंजरस वाला और अच्छा वाला डिस्काउंट चलता है होम टाउन पे। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देख ली, और क्योंकि मेरी बैटरी थोड़ी फ़ोन की डाउन थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा और भी चीज़ आप लोग को दिखाना है, तो इसलिए सारा वहाँ पे क्या ही फुटेज बनाऊँ, तो इसलिए मैंने जो जो चीज़ें थी आपको दिखाई। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे बेडरूम का देखा, और कुछ मैं सरप्राइज़ भी रखना चाहती हूँ, कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट भी रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो अपने दिमाग में सोच रही हूँ अभी उसका प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलेगा किस तरीके का अपना होम इंटीरियर करवाना है। तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर में और एक फ्लोर था तो वहाँ पे भी चलते ही, शायद थर्ड या फोर्थ फ्लोर था जहाँ पे सारे सैनिटरी वगैरह के आइटम्स और फिर मॉड्यूलर किचन, फिर टॉयलेटरीज वगैरह के सारे कुछ। टॉयलेटरीज हमें उतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज़ जो हमारा सोलरी सिटी में हमें वो सब कुछ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं देखा। मुझे मॉड्यूलर किचन देखना था, कुछ आइडिया लेने थे, प्राइस का आइडिया लेना था कि रेडीमेड सस्ता पड़ता है या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर से देख के ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आपका टाइम नज़दीक आ जाता है ना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला टाइम जो आ जाता है, तो फिर उसमें आपको जो भी कोई कुछ बोलता है तो आप सुन के बस हड़बड़ी में शुरू करवा देते हो। तो मैं वो चीज़ हड़बड़ी में नहीं जाना चाहती, मैं प्रॉपर रिसर्च वर्क करके सब कुछ करके समझ के बजट देख के देन ओनली आई वॉन्ट टू प्लान थिंग्स कि किस तरीके का बनवाऊँ क्या बनवाऊँ। अभी तो मैंने अपना घर का स्पेस सिर्फ पिक्चरों में देखा है, अभी तक मैं उस बिल्डिंग में घुस के अपना फ्लोर भी मैंने नहीं देखा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ, मैं सिर्फ आइडिया ले रही थी कि यहाँ पे क्या प्राइस में क्या मिल रहा है। मैं भूख लग रही थी काफ़ी, तो हमने सोचा कि अभी चलो कुछ खाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये ब्रेड पापड़ी चाट बन रहा है, और फिर ये देखिए ब्रेड पापड़ी चाट इन्होंने बना के दिया, फिर हम लोगों ने थोड़ा झालमुड़ी खाया, फिर ये सब करके हम लोग वहाँ से निकल गए। और अभी आप ये फोर्ट विलियम वाला जो साइड है उसको हम लोग क्रॉस करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एंड फिर हम लोग अभी जस्ट काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइम पे जैसे इवनिंग लगता है ना 5:30-6 बजने वाला रहता है, तो ऑफिस की सारी छुट्टियाँ हो जाती है डलहौजी साइड में, तो वो भीड़ बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा घर के मतलब आगे बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली थोड़ा सिग्नल कम हुआ और अभी हम लोग निकल चुके थे वहाँ से, और अभी देखिए 6:30 बज चुका है ऑलरेडी, फिर भी शाम नहीं हुआ है बिकॉज इट्स समर्स। और सो गाइज आई होप आपको ये वाला जो मैं चीज़ दिखाते रहती हूँ ना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती हूँ, तो आप भी अगर अपने घर में कभी भी इंटीरियर का प्लानिंग करो ना, तो एक बार में तुरंत प्लानिंग मत करो, थोड़ा सैम्पल देखो, थोड़ा मॉडल फ्लैट तो हर जगह पे आप नहीं देख पाओगे, तो आपको इस तरह के फर्नीचर की दुकान में जाके आपको आइडिया लेना चाहिए कि किस तरीके का वहाँ पे फर्नीचर है, क्या है, किस तरीके का आप अपना कलर कॉम्बिनेशन देना चाह रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंटली अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। नेट पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, समटाइम्स आप उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो बेटर होता है कि अपने आँख से जाके देखो। होम टाउन जा सकते हो आप, मोबाइल फर्नीचर जा सकते हो आप। मोबाइल फर्नीचर में भी मैं गई थी बट मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया, इसमें मैंने आपको बताया कि मेरी बैटरी फ़ोन की थोड़ी डाउन थी, मैंने फिर से चार्ज में लगा के देन आई मेड माय वीडियो। सो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।